अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज कुरवाई में बिना तिराहे पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ और मीठे तेल के लगातार बढ़ रही मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते और कांग्रेस शासन के दिनों को याद करते हुए अच्छे दिनों की मोदी सरकार श्रद्धांजलि देकर नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य सामग्री के बड़े दामों को वापस लेने की मांग की है। विदिशा कुरवाई से आशीष सहेली की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है आपकी और क्या रास्ता है लगातार जो महंगाई बढ़ रही है? भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन खाद्य सामग्री पर, डीजल पेट्रोल पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि की जा रही है। इसी के विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत में ही आज युवा कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसे हर विधानसभा, हर जिला एवं प्रदेश स्तर पर किया गया। क्या मांग है? हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि डीजल पेट्रोल पर को GST के दायरे में लाया जाए या फिर वैट घटाया जाए, किसी भी तरीके से करके उसको कम किया जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। लगातार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि हो रही है और सरकार का कहना है कि नियंत्रण अब सरकारों के हाथ में नहीं रहा, कंपनियां खुद तय करती हैं मूल्य। देखिए, भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, पूरा नियंत्रण पूरी तरह से, डीजल पेट्रोल की बात हो या खाद्य सामग्री की बात हो या LPG की बात हो, हर तरह के नियंत्रण भारत की सरकार के पास होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहाना है कि उनके हाथ में नहीं है, कंपनियों के हाथ में है, अपन की अपनी सुरक्षा के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रही है। आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत धुरिया जी के निर्देश पर हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अंकित श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमने यहाँ धरना दिया है डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए। और हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सूचित करना चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि, गैस वृद्धि वापस नहीं ली, तो हम कुरवाई नगर की सड़कों पर भी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। किस संबंध में रखा गया था? पेट्रोल डीजल की महंगाई वृद्धि कम करने और गैस के सिलेंडर की महंगाई कम करने के, मूल्य वृद्धि कम करने के। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी ये मांग है, जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा से जब करीब 65 रुपये लीटर पेट्रोल था और 55 रुपये लीटर डीजल था, तो भाजपा किस तरह से सड़कों पे आती थी और नाटक करती थी। आज 100 के पार पेट्रोल हो गया और 100 के आसपास डीजल हो गया। इसके बाद इनके मोदी के और शिवराज के उसके जू नहीं रिंग रही, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके बाद इनने एक हर हफ्ते में मूल्य वृद्धि होती है। इनने पहले एक फर्जी योजना के नाम पे पूरे देश में सिलेंडर बांट दिए कि फ्री, आज 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, गरीब चराई मचा रहा है, वो अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।